सुनो जी सर, साहब और मैडम कोडाईकनाल जा रहे हैं, कार इधर लेकर आओ और उसमें सारे सामान रख दो। ठीक है सर। क्यों बेटा संतोष, यहाँ अकेले में बैठकर क्या सोच रहे हो? थोड़ी देर अकेले बैठ के खुश रहूं तो आपको तकलीफ है क्या? तुम्हारी खुशी में क्या कमी रह गई है? आपकी खुशी के लिए मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ी, लेकिन आपने तो मेरी खुशी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। देखो संतोष, पुरानी बातों को भूल जाओ, ये लड़की एक विधवा की बेटी है और हमारी पहचान वाली भी है। मैं किसी अजनबी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। हो सकता है आपके लिए वो पहचान वाली हो, लेकिन मेरे लिए तो वो अजनबी है पापा। फालतू की बातें मत करो संतोष, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वो लड़की बहुत अच्छी है, चलो नीचे, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। संतोष, कोडाईकनाल स्टेट में मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, जाकर कामकाज संभालो और हिसाब किताब में पूरा ध्यान रखना। संतोष, पूजा तुम्हारी पत्नी है, उससे ऐसे मुंह मत मोड़ो, उससे बातचीत करो बेटा। दरअसल वो शादी नहीं करना चाहता था, हमने उसके साथ जबरदस्ती की है, इसीलिए थोड़ा सा नाराज है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा बेटा। ठीक है सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा चलती हूँ, बाय। अपना ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर हैप्पी मैरिड लाइफ सर। सर 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 रुकिए सर, बहुत सी फॉर्मेलिटीज बाकी है, एक मिनट। शांति मौसी आई बेटा। सौभाग्यवती रहो बेटी। आप दुखी मत होइए सर, हमेशा ऐसे ही रहते हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटी दिया जलाते हैं। चलिए आओ। प्रिंसिपल ने बुलाया है। मुझे बुलाया? ये क्या कार्तिक, हर सेमेस्टर में तुम्हें फीस के लिए याद दिलाना पड़ता है। सॉरी सर, हमेशा भैया ही मेरी फीस भेजते रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, कुछ दिनों से मुझे पैसे नहीं भेज रहे हैं, और अभी मेरा दोस्त संतोष जी मुझे किसी तरह पढ़ा रहे हैं। एक सेमेस्टर होता तो मैं तुम्हें अलाउ कर देता, हर सेमेस्टर में तुम ऐसा ही करते हो। आओ माया, लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी फीस भी संतोष भरेगा क्या? सर पढ़ाई के मामले में इतना स्ट्रिक्ट मत बनिए सर, फीस भरने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है सर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर, जिसके पास नहीं है वो कैसे भरेगा, आप ही थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए सर। क्या आप भी सर? कार्तिक ये ले, लेना अपनी और माया की फीस भर दे। सॉरी यार, माया को हॉस्टल से पिकअप करने में और बैंक जाके पैसे लाने में थोड़ी देर हो गई यार। कोई बात नहीं है संतोष, अगर तुम हमारी मदद नहीं करते ना तो सच में हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। नहीं, इतनी सी बात के लिए इतना क्यों फील कर रहे हो? मेरे पिताजी के पास बहुत पैसे हैं, उन पैसों को अच्छे काम में लगा रहा हूँ, और तुम दोनों की मदद करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। पता नहीं संतोष,
तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? कार्तिक, वो पैसे दे। क्यों? पैसे दे। ये लो माया, जाओ जाके फीस भरो। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ संतोष? आओ ना। संतोष, अच्छे लग रहे हो यार, ऐसे ही कपड़े पहना करो ना। ए, इसकी क्या जरूरत थी? अब से तू ऐसे ही कपड़े पहनेगा। और ये माथे का तिलक मिटाओ यार। ये बाल कैसे हैं तेरे? थोड़ा स्टाइल में रखना यार। हाँ, ऐसे। हाँ, ये स्टाइल में रहा कर यार। क्या बात है कार्तिक, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ऐसी बात नहीं है माया, ये सब संतोष की मेहरबानी है। ओके माया। हाय संतोष। आओ संतोष। याद है मैंने तुझे उस लड़के के बारे में पहले बताया था ना? वो तो लगातार मेरा बात क्या है संतोष, तब से तुम माया को ही देख रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। ए, बताओ ना। मुझे समझ नहीं यार कि माया से मुझे कब प्यार हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ कहूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? मैंने कभी तुम्हारी बात का बुरा माना है क्या? तुम बोलो ना। माया मुझे बहुत पसंद है। अगर माया मेरी जिंदगी में आ जाए तो मुझे सारी खुशियां मिल जाएंगी। ए, मैं बोले जा रहा हूँ और तू कुछ बोल नहीं रहा है। अब मैं क्या कहूँ संतोष, अगर तुम माया से शादी करोगे तो उसी की जिंदगी अच्छी होगी। तुम खुद इजहार करो ना। नहीं यार, अगर मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया तो शायद वो मुझे बहुत गलत समझेगी, क्योंकि मैंने उसकी मदद की है। ए, तू मेरी मदद करेगा क्या? हाँ बोलो ना संतोष। माया को मेरे प्यार के बारे में बताएगा क्या? ठीक है, कल मैं तुम्हारे बारे में उससे बात करूंगा। ओके, कोल्ड ड्रिंक पियो। क्या हुआ सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? Hey, पहले तो मुझे सर कहना बंद कर और एक दोस्त की तरह बातें कर, नहीं तो मुझसे बात मत कर। सॉरी मेरे यार, नाराज मत हो। अरे ये क्या, तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया? संतोष बात क्या है? मेरा मूड ठीक नहीं है यार। ए संतोष, तुम अभी भी माया को याद करते हो, उसे भूल जाए यार। भूल जाऊं? माया और मैंने भूलने के लिए प्यार किया था क्या? तू सब कुछ जानता है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। संतोष, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम माया को याद करते रहोगे तो उस पूजा का क्या हाल होगा? मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं माया से प्यार करता हूं, फिर भी जानबूझ के मेरी शादी करवाई। जब किसी को मेरी जिंदगी की परवाह नहीं तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? ए संतोष, ए सुन संतोष। पूजा बेटी,
यहाँ यहाँ आओ ना, इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? कल तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी ना? नहीं मौसी, कल कुछ नहीं हुआ। क्यों? उनके सामने जाते ही उन्हें गुस्सा आता है, मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तो फर्स्ट नाइट कैसे होगी? कल बहुत लोग थे इसलिए अपने आप को रोक लिया, आज कोई नहीं है, जाकर मिल लो, आखिर वो तुम्हारे पति हैं, समझ जाएंगे तुम्हारे दिल की बात। जाओ बेटी, उदास मत हो। मौसी, आप भी मेरे साथ चलो ना। हे भगवान, जरा भी अकल नहीं है, किसी को साथ ले जाते हैं क्या? जाओ जाओ। मंगू, ए मंगू, ए कितनी बार बोला मंगू मंगू मत बुलाया करो, मंगेश बुलाओगे तभी आऊंगा। हाँ, आ गया बड़ा लाड साहब, जाकर बाहर कचरा फेंक दे। पूजा बेटी, ये बता रात कैसे बीती, बता ना। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्यों? उसके बारे में मुझे कुछ मत पूछिए। ए शिवानी, अरे क्यों खींचा? रात को क्या हुआ मैं जानना चाहता हूँ। क्यों जानना है? वो इसलिए कि मेरा जानना बहुत जरूरी है कि रात को क्या क्या हुआ था। ऐसी बात है, हाँ। इसकी शक्ल तो देख। वो क्या है ना, रात को तुमने दारू पी थी ना, वो बात मैंने साहब को बता दी। मेरे मना करने के बाद भी तुमने उनको बता दिया? हाँ बता दिया। ये लो, अब कचरा तुम ही फेंको।
मैडम आप यहाँ मत आइए। तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ आई हूँ? शांति मौसी ने बताया कि आप यहाँ पर आ रही है। चलो हटो। इससे पहले मैडम को इतना कभी गुस्से में नहीं देखा। हाँ? कुछ आवाज सुनाई दी यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर। आइए मिस्टर तिलक, टेक योर सीट। थैंक यू सर। इस फाइल को देखो। यस सर। इस फाइल में जो फोटो है वो मिस्टर ईश्वर की है। इनकी उम्र 30 साल है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये कोडाई कनाल में एक बिजनेस के सिलसिले में आए थे। लगभग 3 महीने हो चुके लेकिन वापस गए नहीं। इनके मैनेजर ने कंप्लेंट लिखवाई है। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी सीरियस। मिस्टर तिलक, यस सर, ये केस आप ही को हैंडल करना है। यस सर, विद इन 30 डेज इस केस के सारे डिटेल्स मैं आपको सौंप दूंगा सर। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मैंने तुमसे बदतमीजी की। नहीं जी, मुझे दर्द हुआ इसलिए मैंने मारा। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे तुम्हें नहीं छूना चाहिए। मैं आपकी वाइफ हूँ जी, और आपका हक है। मैं कुछ सोच रहा था इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। सॉरी। मिस्टर सूरी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। आपके दिए जवाब से ही मैं आपके मालिक को ढूंढ पाऊंगा। श्योर, मैं आपको जरूर कॉपरेट करूंगा सर। आपके मालिक ईश्वर कोडे कुनाल कब गए थे? आई थिंक पिछले महीने की 5 तारीख को सर। ओके मिस्टर सूरी, आपकी जानकारी हमारे लिए काफी होगी। कुछ पता चलता है तो मैं आपको कांटेक्ट करता हूं।
मौसी। पूजा बेटी। मौसी मेरी तरफ देखो, कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? तेरी आंखों में तो चमक है, चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। जो तुमने चाहा था वो हो गया ना? हाँ मौसी, मैंने कहा था ना। अच्छा अच्छा, लेट हो रहा है, जल्दी से कॉफी बनाइए, मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा है। लो कर लो बात, एक ही रात में फितरत बदली। सुनिए कॉफी लेकर आई हूँ। मैडम मैं संतोष से मिलने आया हूँ। वो बाथरूम में नहा रहे हैं, जाओ। इन्हें हुआ क्या है, हमेशा चिल्लाती रहती है। छोड़ो। हे कार्तिक, तू कब आया? बस अभी आया। आज का क्या प्रोग्राम है? जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। वकील को फोन करना था, तुमने किया? तो भाई किया है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थोड़ा इंतजार करो, मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। कार्तिक, आप जरा बाहर वेट करेंगे? ठीक है। कार्तिक रुको, ये कहीं नहीं जाएगा, बोलो। सासू माँ का फोन आया था, वो कह रही थी आज अच्छा दिन है तो हम दोनों को मंदिर जाना चाहिए। मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम किसी और को अपने साथ। सासू माँ ने कहा है कि सिर्फ आप के साथ जाना है। मैंने कहा ना नहीं आ सकता हूँ, मुझे बहुत काम है, तुम जाओ। ए, ये आएगा, आप चलिए चलिए यार। आरती लीजिए। लो बेटी। चप्पल से मार। अरे तेरी जैसी बहुत लड़कियां देखी डार्लिंग। ए चिंटू, माल अच्छी थी ना? ए, तूने तो काम ही बिगाड़ लिया। हाथ से निकल गई ना तेरे। अरे उधर देख, लाल साड़ी वाली आ रही है। अरे ये भी मस्त है, कौन सी नई आइटम है भैया? उसको तो मैं बढ़ा के आता हूँ, देखता है कैसे पटाता है। क्या बोल दिया कमिया? ये मेरी वाइफ है। Yeah.
कार्तिक ये मुझे सही नहीं लग रहा है। मेरे पिताजी अलग हिसाब बताते हैं, तुम अलग बता रहे हो, ये सब टैली क्यों नहीं कर रहा? दोनों टैली हो रहे हैं संतोष। कैसे टैली हो रहा है? ये देख यार, वर्कर से हम जो कलेक्ट करते वो सब मैं तुम्हें ही लाके देता हूँ। तुम्हें कैसे समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं। नहीं समझ आया ऐसा मत कहना, कोई मेरे पहचान वाला ही धोखा दे रहा है। कल से सब काम हम साथ में करेंगे। ए, यहां मैं काम कर रहा हूं, तुम्हें शरारत सूझ रही है, अंदर जाओ तुम। ए, तू बार बार क्यों इंसल्ट करते रहता है? छोड़ना यार। ए, अब तू कहां जा रहा है? देखो कैसे रोती हुई गई वो, उन्हें समझा कर आता हूं। वो आप रोते हुए अंदर आई ना, इसलिए सोचा थोड़ा समझा दूं। मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपना काम करो। आप मुझे ठीक से समझ नहीं पा रही है, देखिए आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, पहले यहाँ से जाओ। जैसे आपकी मर्जी। फोन है, बाय। हेलो। हेलो सर, नाइस टू मीट यू, बैठिए। AKR एस्टेट के मालिक से मिलना था। मैं ही हूँ, कहिए। आपका नाम? संतोष। मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें कर सकता हूँ इस समय? क्या बात है बताइए। आपके एस्टेट में कार्तिक नाम का कोई है क्या? कार्तिक? नमस्ते सर, मेरा नाम कार्तिक है। बैठिए आप, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। आप इन्हें जानते हैं? जानता हूँ सर, इनका नाम ईश्वर है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सर। ये कभी यहाँ स्टेट में आए हैं? नहीं सर, वो हमारे स्टेट में नहीं आए, पास वाला स्टेट खरीदने आए थे, उन्हें मैंने ही यहाँ बुलाया था। उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली? नहीं सर, उस स्टेट की खरीदी में कुछ अनबन हो गई थी सर, इसलिए ईश्वर जी वो एस्टेट खरीदे बिना वापस चले गए सर। तो आप बता सकते हैं इसके बाद वो किधर गए होंगे? नहीं सर, इसके बाद वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। क्यों सर, क्या हुआ? ईश्वर जी यहाँ से वापस घर नहीं लौटे, उनकी कंपनी के मैनेजर ने हमारे पास ये कंप्लेंट लिखवाई है, उस बारे में आपसे पूछताछ करने आया हूँ। ओके मिस्टर संतोष, इस केस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए लगता है मुझे आपके मैनेजर से पूछताछ करनी। ठीक है सर। कार्तिक, जब वो सौदे की बात चल रही थी उस समय कोई हाथापाई भी हुई थी क्या? नहीं सर, उन दोनों में सिर्फ बातचीत हुई थी। ओके। अब ये सब क्या है? यार मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। संतोष, मेरा छोटा सा काम है, मैं चलता हूं। घबराई हुई क्यों हो? अपने बेडरूम में मैं आईने के सामने खड़ी थी, तब मुझे किसी की परछाई दिखाई दी। जब मैंने पीछे घूमकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन वो परछाई दिखाई दे रही थी।
उसके बाद बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, डर के मारे मैं बाहर आ गई और बेडरूम का दरवाजा भी बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? मैं इतने दिनों से इस घर में हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। शायद हवा की वजह से दरवाजा बंद हो गया होगा, तुम घबरा मत। ए मंगू, इधर आ। तो क्या हुआ शिवानी, मुझे देखे बगैर नहीं रह पा रही है क्या? हाँ हाँ, अपने आप को राजकुमार समझता है तू। ए पूजा बेटी अपने बेडरूम में कुछ देखकर डर गई, जाकर देख तो। अरे बाप रे, क्या देखा? बकवास बंद कर और जाकर देख, जाता है कि नहीं? ए धक्का क्यों दे रही है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैडम किसको देख के डर गई होगी? ए किसने डराया मेरी मैडम को? अगर मर्द का बच्चा तो सामने आ जा, देखता हूँ तू कौन है। मैडम इसको देख के। मंगू, ए मंगू, क्या हुआ तुझे? अब इसे क्या हुआ बेटी? मैंने कहा था ना, लेकिन उसका और इसका क्या संबंध है? अब क्या हुआ? पता नहीं यार। गुड मॉर्निंग सर। आपके बंगलों पर गया था। हाँ? वहाँ पता चला कि आप एस्टेट बंगलों में हैं। बैठिए सर। जरूरी काम था इसलिए मिलने चला आया। एक सुराग हाथ लगा है कार्तिक, उसी बारे में आपसे पूछताछ करनी थी। क्या बात है सर, पूछे ना। हमें पता चला कि उस डील में एस्टेट ओनर और ईश्वर के बीच जब वाद विवाद हुआ, तब आप ही ईश्वर को वहाँ से लेकर गए थे। हाँ सर, ईश्वर जी को मैं ही समझा बुझा कर उधर से ले गया। बाद में मैं अपने साथ पैसे लेकर आया था ताकि ये डील हो जाए, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगता है कि अब ये डील नहीं होगी। सॉरी ईश्वर जी, मैं आपको कोई और डील के बारे में बता दूंगा। वो ओनर ऐसा करेगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। वैसे ईश्वर जी, अब तुरंत घर पर निकल रहे क्या? नहीं कार्तिक, कड़ाई के नल में दो तीन और काम है, वो काम खत्म करके मैं रात को वापस जाऊंगा। जाने से पहले मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है ईश्वर जी, याद से फोन कीजिएगा। ओके बाय। ईश्वर ने आपसे कहा था कि जाते वक्त वो आपको फोन करेंगे, फोन किया? नहीं सर, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। कार्तिक, इस केस में हमें सिर्फ आप पर ही डाउट हो रहा है। आप हमें सब सच बता रहे हैं ना? हाँ सर। अगर आपकी बात झूठी हुई तो हम आपसे पूछताछ अलग ढंग से करेंगे। इंस्पेक्टर, ये क्या पूछताछ की धमकी दे रहे हैं? अभी मैंने आपसे कोई पूछताछ नहीं की है, हमारे पूछताछ का तरीका जरा अलग होता है। चलता हूँ। Yeah.
आवाज सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं देखने चली आई कि लेकिन कौन है। ये कोई वक्त हुआ आने का? सिर्फ ये रोने की आवाज ही नहीं, रोज रात को लगभग 11 बजे मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं एक अच्छे स्वामी को जानती हूँ, कल हम उनसे मिलने जाते हैं। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। महाकाली माँ तेरे शोली माँ मुझे मजा आ गया, मुझे आओ शांति आओ। आज इधर कैसे? क्यों रे टिंगू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। टिंगू, मैं तुम्हें कई सालों से देख रही हूँ, तुम अभी तक लंबे कैसे नहीं हुए? अगर मैं लंबा होता तो तुमको पटा नहीं लेता। मैं लंबा होने के लिए ही तो माता जी से मन्नत मांगने आया हूँ। हाँ, मन्नत मांगो, शायद तुम लंबे हो जाओगे। हाँ। अच्छा ये बताओ, स्वामी जी हैं? स्वामी जी अंदर हैं, पूजा पर बैठे हुए हैं। तुमको उनसे मिलना होगा तो चलो मैं तुमको मिला देता हूँ। आओ पूजा आ जाओ, चलो। स्वामी जी, ये दोनों आपसे मिलने के लिए आई हैं। नमस्ते। अरे शिवानी, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है स्वामी जी। बोलो क्या बात है? स्वामी जी, जी ये पूजा बेटी है। हाँ। इनके घर में इन्हें कुछ दिखता है और ये डर जाती है। हाँ? इन्हें रात को 11 बजे रोने की आवाजें सुनाई देती है। इन्हें डर है कि इसके वजह से उनके पति को खतरा हो सकता है। हाँ बाबा, मेरे पति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहाँ रहने वाले सभी लोगों को किसी चीज का कोई डर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। माता सबकी रक्षा कर, रक्षा करना माता। ये लो बेटी, लो। इस शंख को पूजा के लिए लाया गया था यहाँ पर। इस शंख की बहुत बड़ी महिमा है। इस शंख को तुम अपने पूजा के कमरे में रखना, इसकी पूजा करना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। लो बेटी। हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सिर्फ आप ही हैं जो मेरे पति को हर आपत्ति से बचा सकती हैं। माता मेरी प्रार्थना सुन लो। अब तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई मतभेद नहीं होगा। नहीं कार्तिक, क्या हुआ? पूछा तुमने उससे? क्या कही वो? सॉरी संतोष, माया खुद आई है। कहाँ है वो? तेरे पीछे ही है, तू ही पूछ लेना। नहीं कार्तिक। संतोष जरा पीछे देखो। सॉरी माया, मेरे मन में जो भी था मैंने वो कार्तिक से पूछने को कहा। उस बात से तुम राजी हो या नहीं हो तुम्हारी मर्जी। मेरी तरफ देखो संतोष, प्लीज। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर देना माया। I love you संतोष। हे, मैंने तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया है,
बस उतने में ही सीमित रह, मुझसे चिपकने की कोशिश मत करना। जाओ यहाँ से। ए संतोष, ये सब क्या है? मैं जानता हूँ तुम माया को भूल नहीं पाए हो, इसलिए ऐसा सब कर रहे हो। ए संतोष, तू उसे भूल जा यार। नहीं, माया यहीं कहीं है यार। मैंने कितनी बार बताया और तुम वही बात करते रहते हो संतोष। यार तू उसे भूल जा और ऑफिस के काम में ध्यान लगा यार, तभी तेरी जिंदगी अच्छी होगी। चुप हो जाओ यार, ये भी जीना कोई जीना है क्या? ऐसे कब तक घुट घुट कर जिएगा? तेरे पिताजी फोन करके तेरे बारे में बार बार पूछते रहते हैं और मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, और तू है कि ऐसे पेश आ रहा है। दोबारा तेरे पिताजी ने फोन किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? यार मैं तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अपने आप को सुधार, ऑफिस के काम में ध्यान दे। सुबह से वुड फैक्ट्री वालों का फोन पे फोन आ रहा है, आओ चलकर देखते हैं। आओ ना। क्या यार, संतोष, संतोष, घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ए वॉचमैन, इधर आ। जी साहब, बोलिए। ये क्या, सब लोग कहाँ चले गए? घर पे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? साहब, शिवानी और मंगेश मार्केट गए हैं। मालिक अभी थोड़ी देर पहले बाहर गए हैं और पूजा मैडम बगीचे की तरफ गई हैं। ठीक है ठीक है, तुम जाकर गेट पर खड़े रहो। ठीक है साहब। इसे क्या हुआ? पता नहीं यार, बगीचे में बेहोश पड़ी थी। बेहोश पड़ी थी? मैं ही उठाकर यहाँ लाया। पूजा, पूजा, सब लोग कहाँ गए? पता नहीं यार, मैं आया तब से कोई नहीं है। पूजा, जाओ जाकर डॉक्टर को फोन करो। ठीक है। तुम बिल्कुल ठीक हो पूजा। संतोष, हैप्पी न्यूज, तुम पापा बनने वाले हो। संतोष, कांग्रेट्स यार। मेडिसिन लेना, टाइम से खाना खाना।
संतोष तुम पापा बनने वाले हो। अपना ख्याल रखना। हाँ चलिए मैडम। हाँ आइए आइए मैडम। चलती हूँ संतोष। ठीक है डॉक्टर। सबसे पहले ये खुशखबर तुम्हारी माँ और सासू माँ को फोन करके बताओ। सासू माँ को फोन करती हूँ। बात करो। हेलो सासू माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ससुर जी कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। सासू माँ एक खुशखबरी है, इसलिए फोन किया मैंने आपको। हाँ बेटा बताओ ना। आपका बेटा बाप बनने वाला है और आप दादी बनने वाली हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर कह रही थी कि ये तीसरा महीना है। ए, संतोष। डॉक्टर तो कह रही थी कि ए, संतोष तू हट जा। ए, शादी से लेके आज तक मेरी उंगली के नाखून ने भी तुझे नहीं छुआ, तो फिर ये बच्चा कहां से आया? ए संतोष। ए, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? पापा आप जितनी बार भी पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा। तुम्हारी शादी होकर इतने दिन हो गए और पूजा तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, उसके बाद भी अभी तक तुम्हें एक बच्चा नहीं हुआ। हमारे कुल के वंश का क्या होगा और समाज के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पूजा की परवरिश तो आपने अच्छी तरह की है, लेकिन मालिक ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? संतोष कभी कभी कहता है पूजा और उसके बीच कुछ नहीं हुआ, और ये भी कहता है कि वो माया को अभी तक भूल नहीं पाया है। यहाँ हो क्या रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब, अभी भी वो माया से मिलते रहता है? हाँ मैडम, उन दोनों के बीच तनाव तो जरूर है, और पूजा बेटी ने ये बात मुझे बताई थी। अब शांति, तुमने पूजा की माँ से जो कहा सच है? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो माया को अभी तक भुला नहीं पाया है। और मालिक, संतोष को मत बताइए कि मैंने ये बात आपको बताई, वरना वो बुरा मानेगा। तुम जाओ। ये बात मैंने आपको बताई है, मत बताइए। सुनिए, जानते हो अपनी बहू पूजा की कोई गलती नहीं। संतोष अभी तक उस माया को भुला नहीं पाया, इसीलिए ऐसा कर रहा है। उसे लगता होगा शायद हम लोग उसका ऐसा बर्ताव देखकर माया से मिला देंगे। आप पता कीजिए वो चाहता क्या है। ठीक है। ए संतोष, आखिर तुम चाहते क्या हो बेटा? यहाँ लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे करने से मैं तुम्हें माया से मिलने दूंगा तो ये कभी नहीं होगा। अगर तुमने पूजा के साथ धोखा करने की कोशिश की तो मैं नहीं होने दूंगा। पापा, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, अब मुझे एक और परेशानी नहीं चाहिए। हो सके तो समस्या का हल ढूंढिए, नहीं तो अपना काम कीजिए। हाँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो हम चलते हैं। ये पति पत्नी की समस्या है, वे आपस में निपट लेंगे, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चलो यहाँ से। पूजा तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम चलते हैं। तुम दोनों का बच्चा हो जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना, हम लोग चलते हैं। कहिए ना। मेरी गैर हाजिरी में बंगले में कोई आता था? नहीं साहब, कोई नहीं आता था। पूजा को किसी से फोन पे बात करते सुना था क्या? नहीं साहब, मैं तो साथ में ही रहती हूँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। संतोष, मेरी बातों का बुरा मत मानना यार। तू गुस्से में कोई फैसला करता है तो उसका अंजाम गलत होता है। तू कह रहा कि पूजा के गर्भवती होने की वजह तू नहीं है,
लेकिन घर वाले कह रहे कि उसके पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। मेरा मतलब गलती से तूने कुछ। तुझे भी मुझ पर विश्वास नहीं है? आखिर सब लोग पूजा का ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं जो भी कहूंगा तुम्हें गलत ही लगेगा। अब चल कहीं घूम आते हैं। चल अभी चल चल। मुझे कहीं नहीं जाना। ए, मेरी बात मान यार, तू यहाँ रहेगा ना तो उसकी याद तुझे सताती रहेगी। अगर भूलना है ना तो मेरे साथ चल। ए, चल। तू मुझे अपने घर क्यों लाया है? अंदर चल बताता हूँ। के प्यार के बारे में तुम्हारे माँ बाप को पता चला तो उन्होंने लड़की ढूंढना शुरू किया। तब माया मेरे पास आकर रोने लगी। तुम्हारे शादी की बात पता चलते ही वो खुदकुशी करने निकली। मैं उसे बचाकर अपने दोस्त के घर ले आया। ये बात तुम्हें कभी ना पता चले ऐसी मुझे इसने कसम दी। और जब तू कोडेकनल भी आया था ना, ये बात मैंने माया को बताई, लेकिन इसने ये मेरे साथ रहती ये बात तुम्हें बताने से तब भी मना किया। मैंने ये बात उसे छुपा कर रखी। मुझे माफ कर दे संतोष। ए, तुम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम दोनों बात करो, मैं बाहर जाता हूं। मेरी शादी के बाद भी हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। तुम कहां हो? मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं माया। कार्तिक ने मुझे बताया कि तुम मुझे भूल नहीं पाए। ये सुन के मुझे बहुत तसल्ली हुई। ठीक है, अब से मेरे बारे में चिंता मत करो, अपनी जिंदगी बनाओ माया। तुम कह रहे हो मैं किसी और से शादी कर लूं? ये मुझसे नहीं होगा संतोष। तुम्हें जिंदगी जीते हुए देखकर मैं खुशी से रह लूंगी। माया, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मैं चैन से जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। तुम ही बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे? माया, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी संतोष। संतोष, सॉरी 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 यार, मैं बाहर रुकता हूं। उसकी जरूरत नहीं है माया, मैं चलता हूं माया। माया, मैं संतोष को छोड़कर आता हूं। जरूरत है, लेकिन
लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है उसे अपनाने से तो मना कर दिया, तो ये सब क्यों? छे! साहब, नमस्ते सर। नमस्ते। शायद रात को मालिक ने ज्यादा पी ली होगी। मैं रात को 11 बजे अपने राउंड पे जा रहा था, बंगले के पीछे मालिक बेहोश पड़े थे, मैंने उन्हें लाकर सोफे पे सुला दिया, अभी तक नहीं उठे हैं। कहाँ बेहोश पड़े थे? वो टूटा हुआ बंगला जो पीछे की तरफ है। ठीक है ठीक है, ये बात किसी से मत बताना, तुम जाओ। साहब आओ। माया, वो वहां क्यों गया? माया, संतोष, संतोष उठो ना। क्या हुआ? ए, देखो कौन आया है। माया, इसे यहां क्यों लेके आ गया? ये क्या है कार्तिक? फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। शांति मौसी। हाँ साहब। इधर आइए, ये मेरी मौसी की बेटी संगीता है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। पूजा मैडम की देखभाल के लिए आई है, इन्हें जाके परिचय करवा। ठीक है साहब, आइए मैडम। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। संतोष, कल रात को तुमने ज्यादा पी थी क्या? नहीं तो। ठीक है ठीक है, तुम आराम करो। पूजा बेटी, ये कार्तिक की मौसी की बेटी है, तुम्हारी देखभाल करने आई है। नमस्ते, बैठिए ना। आपका नाम? मेरा नाम संगीता है। आप गर्भवती हैं? कार्तिक ने मुझे बताया। अभी कितने महीने हुए मैडम? तीसरा महीना है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको क्या चाहिए मैं सब जानती हूँ।
मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अकेले ना मैं बिल्कुल बोर हो जाती हूँ, पता है। आप अकेले नहीं है मैडम, मैं आ गई हूँ ना। अच्छा अच्छा, आप दोनों बात कीजिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ दोनों के लिए। ओके, रुको जरा, इस पे जरा ज़ूम करो। मे आई कम इन सर? हाँ आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चेक पोस्ट पे पूछताछ के लिए गई थी ना, रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, रिपोर्ट रेडी है। ओके, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। चलिए सर, वो गाड़ी एसयूवी थी, उसका नंबर TN60AN9994 था सर। गाड़ी के ऊपर जाने के सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन नीचे आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। okay. सर, मैंने पूरा चेक किया, चेक पोस्ट अथॉरिटीज ने भी सर्टिफाई किया है सर। दिखाओ मुझे। और वो रिकॉर्ड्स इसमें अटैच्ड है। ओके, आप कंट्रोल रूम में जाइए, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। संगीता, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। नहीं मैडम। चलो थोड़ा घूम आना। नहीं मैडम, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। ओके, फिर ठीक है। साहब का नाश्ता तैयार है, जब वो उठेंगे तो उन्हें दे देना प्लीज। ठीक है? है चलो बेटी। क्या हुआ माया, इतनी उदास क्यों? और वो दोनों कहाँ गई? वो दोनों ही मंदिर गई हैं। क्या हुआ माया, तुम रो क्यों रही हो? किसी भी लड़के की हालत मेरे जैसी नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहती हो? मैंने जिस लड़के को प्यार किया वो किसी और का हो गया, और मेरी जिंदगी तो नरक से भी बदतर हो गई। माया तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? मेरी एक इच्छा है संतोष, मेरे मरने से पहले उसे पूरा कर दो। हे माया, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? प्लीज संतोष। मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं अपने आप को पूरी तरह तुम्हारे हवाले कर दूं। मुझे हक दो संतोष। संतोष? नहीं माया, ये मुझे गलत लग रहा है। संतोष, तुम दोनों क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कार्तिक। माया, तुम्हें कितनी बार कहा कोई गलत काम मत करना, जाओ।
संतोष ऐसा मत करो, खुद पर काबू रखो यार। मैं चलता हूं। क्यों माया, ज्यादा इमोशनल हो गई थी? एक बात याद रखना माया, तुम उसके करीब जरूर जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरी बात मानो, अपनी सीमा में रहो। चलता हूं माया। माया 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 मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक जाओगी। तुम हमेशा हिम्मत वाली थी, तुम खुदकुशी कैसे कर सकती हो? अगर संतोष नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई क्या? तुम्हें क्या कमी है? अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तुम इस वक्त जिंदा नहीं होती। संतोष ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं माया। ये क्या कह रहे हो कार्तिक? हाँ माया, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने जब भी तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहा, तो संतोष ने हमेशा उसके प्यार के बारे में बताने के लिए कहा। इसकी वजह से मुझे जो दर्द झेलना पड़ रहा है वो मैं ही जानता हूँ। मैं कभी अपनी दिल की बात बता नहीं पाया, क्योंकि अपनी जिंदगी उसकी दी हुई भीख है माया। ऐसे में अगर मैं तुमसे शादी करता तो तुम कैसे खुश रहती माया? लेकिन अगर तुम संतोष से शादी करती तो तुम भी खुश रहती और मैं भी खुश रहता माया। लेकिन उसने तुम्हें भी धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया। अब तो तुम समझ गई होगी ना कि अमीर लोग कैसे होते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है माया, अगर तुम हाँ कहती हो तो हम दोनों खुश रह सकते हैं। मुझे क्या करना होगा कार्तिक? तुम्हारे पास खूबसूरती है और मेरे पास दिमाग है, अगर हम दोनों की जोड़ी बन जाती है ना तो हमें किसी बात की कमी नहीं होगी माया। इस दुनिया में अमीर लोगों के बीच में हम भी शान से रह सकते हैं। मेरी बात समझ गई ना? संगीता को कहां लेकर जा रहे हैं? नहीं संतोष, प्लीज, कोई देख लेगा संतोष। हाँ।
पूजा बेटी। बोलो ना मौसी। मैं कुछ कहूंगी तो गलत नहीं समझोगी ना? हाँ बोलो ना। मुझे संगीता मैडम का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? कल रात को संगीता और साहब उसके रूम में कुछ गलत कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि साहब आपको शादी करने के बाद ऐसा धोखा देंगे। तुम तो बस इतना ही जानती हो। मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो संगीता है कौन? कौन है बेटी? वो तुम्हारे मालिक की कॉलेज की प्रेमिका माया है, जो यहाँ संगीता बनकर आई है। सब कुछ जानने के बाद आप चुप क्यों हैं? इसका कारण है हमारे परिवार की खुशी। लेकिन ये कैसे पता चला कि माया ही संगीता है? एक दिन उनके पर्स में मैंने माया की फोटो देखी और उसमें लिखा था आई लव माया। हे भगवान, इस दुनिया में किसी भी पत्नी का ये हाल नहीं होना चाहिए। आपके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जाने दो ना मौसी, अगर उसी में उनको खुशी मिलती है तो मैं भी खुश हूँ। हेलो कार्तिक। बोलो माया। कल रात को एक अच्छी बात हुई। क्या हुआ माया? जैसा तुमने सोचा था, संतोष मेरे जाल में फंस गया। अच्छा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा माया। माया, मेरे प्लान के मुताबिक मुझे एक सबूत की जरूरत है। मैं सब संभालूंगा, बस तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो माया। ठीक है कार्तिक। और तुमने अपनी सीमा तो पार नहीं की ना? वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, रखता हूँ। मुझे लगा संतोष ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अभी भी वो मेरी याद में जीता है। अब मैं क्या करूं? कार्तिक का कहना मानूं या नहीं मानूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए छोटू। नमस्ते सर। जरा देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है सर। थोड़ा जल्दी करना है। ओके। सर हो गया सर। सही हो गया ना? सही हो गया। हेलो। हेलो सर। हाँ सुनो, टेबल पे ईश्वर की फाइल होगी, जरा उसमें से देखकर कार का नंबर मुझे बताना। देता हूँ सर, TN09994। ओके, जरूरत पड़ी तो फोन करता हूँ मैं। ओके सर। क्या है सर? तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? वो यही है सर। उसे यहाँ आने के लिए बोलो। ओके। आपने बुलाया सर? अरे भाई ये कार यहाँ कैसे आई है? सर ये गाड़ियाँ कहाँ से आती, कौन रख जाता नहीं मालूम मुझे। नहीं जानता। सर सच बता, ये कार यहाँ कैसे आई? स्टेट मैनेजर कार्तिक सर ने यहाँ पे गाड़ी छोड़ी है सर।
संतोष, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो तुम? अगर किसी ने देख लिया तो गलत समझेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो संतोष? हमारा ऐसा अक्सर मिलना ठीक नहीं है, समझ रहे हो ना? अगर पूजा ने हमें देख लिया तो क्या समझेगी? जरा सोचो संतोष। संतोष, ए, छोड़ो मुझे। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। संतोष प्लीज, कहा ना छोड़ो। क्या हुआ मौसी, अब तक सोई नहीं? क्यों ना समझ बन रही हैं? जो हो रहा है वो देखना जरूरी था क्या? सच तो ये है मौसी कि जो खुशी उन्हें प्रेमिका से मिलती है वो मैं उन्हें नहीं दे सकती। कम से कम उन्हें खुशी रहने दूं। मौसी वो बाहर आ गए क्या? नहीं बेटी, अभी भी अंदर ही है। चलो मौसी जाकर देखते हैं ना। मौसी मुझे भी कॉफी देना। कॉफी मांगते हुए शर्म नहीं आती? आखिर तुम भी तो एक औरत हो। छी, आप ऐसे क्यों सवाल बोल रही मत है? करो, माना कि साहब ने तुमसे प्यार किया लेकिन पूजा को धोखा देना क्या ठीक है? मौसी चुप रहो बेटी, सब छोड़ो। ऐसी लड़कियां तो सिर्फ प्यार कर सकती है और कर ही क्या सकती है। करो करो, खूब प्यार करो। यहाँ क्या हो रहा है साहब? आप जो भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? अब रहने ही दीजिए साहब जी, कल रात को उस कमरे में आप दोनों जो भी कर रहे थे हम सब ने देखा। मुंह बंद रखो, क्या बकवास कर रही हो? आप गलती मत छुपाइए। आप ये बताइए संगीता के कमरे में क्या कर रहे थे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। ये संगीता आपके कॉलेज की प्रेमिका माया थी, ये हम जान चुके हैं। शांति, फालतू की बकवास मत करो। संगीता तुम चुप क्यों हो? कल रात को उस कमरे में क्या हुआ बताओ ना साहब जी को। संतोष छुपाओ मत, सबको सच बता दो, कबूल कर लो। हे माया। संतोष। कार्तिक। क्या हुआ कार्तिक, चुप क्यों हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारा चुप रहना ये बताता है कि कल रात हमने कुछ गलत किया है। हाँ संतोष, ये क्या बोल रहे हो कार्तिक? संतोष पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना, रात को तुम अपने कमरे में से माया के कमरे में कैसे चले गए? उसी बात से तो मैं भी हैरान हूं यार। अब तू भी उलझन में पड़ गया ना? संतोष
माया के साथ तुमने ही गलत किया है और पूजा के पेट में पलने वाला बच्चा भी तेरा ही है। क्या कह रहे हो? हाँ संतोष, कल माया ने मुझे फोन किया तब तुम दोनों के बीच कुछ गलत ना हो सोचकर मैं भागा भागा चलाया और आते वक्त रास्ते में मेरे साथ कुछ अजीब घटना हुई। संतोष, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जरूर कोई वजह है, यहाँ कोई बुरी बला है। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम सबको ये बंगला छोड़कर जाना चाहिए। हम क्यों इस बंगले को छोड़कर चले जाएं? मैं एक स्वामी जी को जानती हूँ जो देवी माँ के मंदिर में मिलेंगे, उनसे जाकर मिलेंगे तो हमें इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। समझने की कोशिश करो मौसी, उनके आने से कुछ नहीं होगा। मेरी हालत देख रही हो ना, ये सब मेरे साथ हुआ ठीक है, अगर तुम लोगों के साथ होता तो क्या करते? हाँ कार्तिक, शांति सही कह रही है, किसी स्वामी जी से मिलते हैं ना, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे संतोष, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग जा रहे हैं। संतोष। क्या हुआ? हाँ चलो। पूजा, सब लोग अंदर ही रहना, कुछ भी हो जाए तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। स्वामी जी को लेके हम आते हैं, फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, अपना ख्याल रखना। चलो कार्तिक। ए वॉचमैन, जाकर दरवाजा बंद कर। जी। तो आया का सूप बनाने बोलो तो बना सकती हूँ, या कोई सूप बनाना बोलो तो वो भी बनाऊंगी, मटन फ्राई बनाना है तो भी बनाऊंगी, चावल को भाप देना है तो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये भूत प्रेत को देखने बोल रहे हैं वो मैं कैसे देख सकती हूँ? दो पैग अंदर जाने के बाद कुछ भी नहीं पता चलता है, दो पैग मार के आऊंगा तो शायद मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन जाऊं कैसे? सब भाग गए, अब जाके पेग मार के आता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्यों आए? जाओ यहाँ से। पूजा, पूजा बेटी, क्या हुआ? देखो। अरे 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 जल्दी आ जाओ। आप मुंह हाथ धो लीजिए, स्वामी जी आते ही होंगे, ठीक है? डरिए मत, जाइए जाइए, जाओ पूजा बेटी।
गांगू लगता है साहब जी आ गए, जाकर देख तो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। वॉचमैन तू जाकर देखना स्वामी जी आ गए होंगे। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाकर देखना स्वामी जी आएंगे तभी तो हम बच पाएंगे, जाकर देख तो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है, जा वहां पर। ने सुना ना पंडित जी, इस घर में एक आदमी की मौत हुई थी जिसे किसी लड़की ने धोखा दिया था, और वही आदमी भूत बन के इस घर में भटक रहा है, और यही तुम लोगों की समस्याओं का कारण है। तुम लोग तुरंत पूजा की तैयारी करो। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्छाय नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्छाय नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्छाय नमः। तुम जो भी हो जहाँ भी हो तुरंत आ जाओ और अपनी पहचान बताओ। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्छाय नमः। आ जाओ बताओ कौन हो तुम, बोलो जहाँ कहीं भी हो तुरंत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। जल्दी आ जा, सामने आ। नहीं आऊंगा, तुम चाहे जितने भी जतन कर लो। हाँ बुला रहा हूँ, जय महाकाली। कार्तिक, ये तुम दोनों को क्यों बुला रहे हैं? पता तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पैसे चाहिए था ना तुम्हें? भाया से प्यार का झूठा नाटक करवाया और मुझे मार डाला। और तू अब अनजान बन के खड़ा है। शांत हो जाओ, शांत। मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन ये बता तुम इस बंगले में क्यों आए? मैं यहाँ खुद नहीं आया था स्वामी, कार्तिक के कहने पर मैं पास वाली प्रॉपर्टी खरीदने आया था, लेकिन डील फाइनल नहीं हुई। मैं जब वापस जा रहा था तो मेरे पैसे छीनने के लिए चार गुंडों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया। ईश्वर तुम ठीक हो ना? Oh,
ईश्वर 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 उठो, उठो चलो। कार्तिक क्या क्या हुआ कार्तिक? मेरी जिंदगी जीने का मकसद सिर्फ पैसा था, लेकिन माया की खूबसूरती से मेरी जिंदगी में बदलाव आया। मैं बिल्कुल अनाथ था, लेकिन माया के प्यार से ही मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, और धीरे धीरे मुझे माया से प्यार हो गया। एक दिन कार्तिक ने मुझे अपने घर पार्टी के लिए बुलाया और माया को फोन आया। तब मुझे पता चला कि माया की माँ हॉस्पिटल में है और उनके इलाज के लिए उनको पैसों की जरूरत थी। तब मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए। उसके बाद हम दोनों में प्यार और गहरा होता गया। माया की माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए उन लोगों ने मुझसे और पैसे मांगे। मेरे पास कैश नहीं था, इसलिए मैंने चेक दे दिया। कार्तिक ये ब्लैंक चेक है, जितने चाहे ले लेना। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बहुत शराब पिलाई। उस रात मुझे इन दोनों की असलियत का पता चला। मुझे ये एहसास हो गया था कि जो अब तक चल रहा था वो कार्तिक की प्लानिंग थी। कार्तिक ये बताओ, मुझे जिंदगी भर ऐसे ही नाटक करना होगा? बताओ मैं कैसे रहूंगी? नहीं माया, हमने तो अभी अभी ईश्वर नाम की बैंक खोली है। थोड़े दिन सब्र करो, ईश्वर को पूरी तरह से लूट लेने के बाद हम भी इस दुनिया में अमीरों की तरह जिएंगे। माया माया तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हें बस माँ की तो बारे इसके में... लिए बोझ सुलाने की क्या जरूरत थी? तुम गलत समझ रहे हो ईश्वर। छी, मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम तो दगाबाज लड़की निकली। ईश्वर ये तू क्या कह रहा है? मुंह बंद कर चुपचाप खड़ा रहा, समझा? मेरे पैसों की वजह से तुमने माया के करीब आने दिया। बहुत घटिया दोस्त है तू। सुबह होने से तेरे नाटक का पर्दाफाश करता हूँ। ये क्या क्या कार्तिक? मुझे मत मारो कार्तिक। कार्तिक प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने सोचा था कि इस ब्लैंक चेक से मैं अपनी लाइफ सेटल कर लूंगा, लेकिन तूने बिगाड़ दिया सब। कार्तिक मुझे बचा लो प्लीज। मेरी मेहनत सब मिट्टी में मिल गई। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा प्लान तुझे पता चल चुका है माया, और मैं तुझे जिंदा छोड़ने की गलती नहीं कर सकता, वरना मुझे खतरा होगा। नहीं, 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 छोड़ मुझे। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा इस बंगले में भटक रही थी, लेकिन जब मैंने माया को उस बंगले में देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं समझ गया जो मेरे साथ हुआ था वही संतोष के साथ होने वाला है। कार्तिक और माया से बदला लेने के लिए मैं माया के पास संतोष बन के गया, लेकिन किसी दैवीय शक्ति की वजह से संतोष उस माया से बच गया। यही मेरे साथ हुआ। नहीं, तू कब से पैसों के लिए मेरा दोस्त होने का नाटक कर रहा था? अगर तू एक बार कहते था कि सिर्फ तुझे पैसे चाहिए तो मैं कब का तुझे पैसे दे चुका होता। मैंने तुझे सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं माना था, बल्कि इस घर का मालिक बनाया था। तूने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा कैसे करती? माया, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था। मेरे पिताजी ने पूजा से मेरी शादी जबरदस्ती कराई, लेकिन मैंने उसे छुआ तक नहीं। इस वजह से उसे बहुत दुख हुआ। पैसों के लिए जिस्म बेचने वाली और पैसों के लिए प्यार बेचने वाली एक जैसी होती है। अच्छा होता कि तुम अपना जिस्म बेचती। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना? तुम्हें प्यार करने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने ले जाओ। जाओ, जाओ यहां से। तुमने जो पाप किया है
उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना ही होगा। और अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं ही करूंगा। तुम इस नारियल के अंदर प्रवेश कर जाओ। नहीं स्वामी जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। इसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुझे छोड़ दीजिए। जय महाकाली। कार्तिक, माया ये लो, इसके अंदर ईश्वर की आत्मा आ चुकी है। पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वहां से इसको नीचे फेंक। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे मारने पर मजबूर किया। मैं तो एक अमीर आदमी बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मुझे हारना पसंद नहीं है ईश्वर, मुझे जीतना है। ईश्वर, मुझे जीतना है, और जीतने के लिए चाहे मुझे कितनी भी लाशें क्यों ना बिछानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ईश्वर, कार्तिक तुम क्या बोल रहे हो? हाँ माया, मैं तो सुधरने का नाटक कर रहा था। तुम्हें क्या लगा मैं सुधर गया? मैं कभी सुधर नहीं सकता माया, ना ही कोई मुझे सुधार सकता है। कार्तिक, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, इसलिए अपने प्यार के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। कार्तिक, हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया, अगर तुम अब नहीं बदले ना। नहीं माया, मैं अभी अपना कदम पीछे नहीं ले सकता। जिसके पास पैसे है वही इंसान है, कहा था ना तुमने। अब तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, पहले पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, उसके बाद इंसान बनने की सोचते हैं। कार्तिक, अभी तक तुमने जो कहा मैंने सब किया ना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बस मेरी एक बात मान लो। मेरी बात मानोगे ना कार्तिक? क्या माया, बोलो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? बोलो माया। माया, क्या हुआ माया? माया, ए माया, ए क्या क्या हुआ माया? माया, कार्तिक, अगर मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया ना, तुम बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। हम दोनों ने साथ मिलकर गलती की है, इसलिए हम दोनों को मरना होगा। सॉरी कार्तिक। माया, माया, कार्तिक, we'll be right back.
संतोष, मैंने सोचा था दोनों को कानूनन सजा दिलवाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले ने ही सजा दे दी। सॉरी संतोष।